नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पांच स्टॉक्स की लिस्ट जो है वो अभी तक अपडेट नहीं करी है मैंने प्रेजेंटेशन के साथ अपनी एप्लीकेशन पे, बट मैं कल मॉर्निंग में 12 बजे से पहले अपडेट कर दूंगा। यहां पे मैं आप सभी के साथ दो स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पे मुझे कैश में बाइंग की रिकमेंडेशन देनी है, और वो पांच स्टॉक में किसी में कॉल ऑप्शन के थ्रू है, किसी में पुट ऑप्शन के थ्रू है, और कहीं कैश में भी है। बट यहां मैं आप सभी के साथ दो स्टॉक शेयर कर रहा हूं, बट एक चीज क्लियरली बता दूं, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, और हो सकता है मैं खुद पोजीशन लूं इन दोनों में से किसी भी स्टॉक में, और केवल मार्च मंथ के लिए है, यानी अगले 30 से 35 दिन के लिए। उसके बाद हमें रिव्यू करना है, रिव्यू कैसे करना है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। और देखिए, विदाउट लॉजिक बात करके कोई फायदा नहीं है, और विदाउट लॉजिक बात करना पसंद भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला स्टॉक है मिडकैप आईटी से। मिडकैप आईटी से मैंने आपके साथ थोड़े दिन पहले एक स्टॉक पिक करा था, न्यूजेन सॉफ्टवेयर। वो मेरा एक महीने का नहीं, वो मेरा 6 महीने 1 साल का व्यू था। 330 रुपए पे पिक करा था, 500 रुपए का टारगेट दिया था। लोगों को लग रहा था तो बहुत दूर की बात कर रहे हो भाई, 2 महीने नहीं हुए अभी उस पिक को दिए हुए, और आज स्टॉक 460-470 रुपीज का हाई लगा चुका है। 440 पे मैंने पर्सनली खुद बेचा है उसे, आपके साथ भी 440-430 के अराउंड मैंने कहा था आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो सुपर हिट कॉल रही। यहां पे आपके साथ फिर मैं इसी तरीके का स्टॉक लेके आ रहा हूं, लेकिन यहां मेरे पास एक प्रॉपर स्टॉप लॉस है, उसमें स्टॉप लॉस नहीं था क्योंकि ये एक ट्रेडिंग व्यू है। स्टार्ट करते हैं, स्टॉक का नाम है एमफेसिस। अब मैं आता हूं, रीजन देता हूं आपको, लॉजिक, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन भी नहीं है, ये केवल व्यू है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको लगे डेफिनेटली ले सकते हो। एमफेसिस में अगर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, वीकली मंथली मत देखना, आप देखना कैंडल लगाना, मंथली कैंडल, एक महीने की एक कैंडल जो होती है ना, एक साल की 12 कैंडल होती है, मंथली कैंडल लगाना, आपको दिखेगा स्टॉक में तेजी बनी थी अराउंड आपके लिए 2020 30th अप्रैल, जहां स्टॉक का भाव था, लो था 646 का, वहां से तेजी बनी स्टॉक में और हाई लगाए 3524 रुपए का, मंथ अक्टूबर 29 को हाई लगाया, और 2021 यानी कि 20 अप्रैल से लेकर 21 अक्टूबर तक वन साइडेड तेजी कंटिन्यू, उसके बाद साइडवेज हो जाता है, लगभग 6 महीने स्टॉक साइडवेज रहा, यही हाई रहा स्टॉक का, एंड वहां से होती है करेक्शन स्टार्ट, एंड रिसेंटली कंपनी लो लगाता है अराउंड 1896 रुपीज के समथिंग का, और वहां से यू टर्न मार रहा है, यानी यू शेप रिकवरी हो रही है, वी शेप होती है, वी शेप कैसी होती है ऐसे, यानी यूं गिरा यूं भागा, गिरा है स्लोली स्लोली, फिर यहां साइडवेज होता है, 3-4 महीने गुजरता है, और अब हल्का यहां पहुंचा है। लास्ट यानी कि जो आपके लिए जनवरी मंथ की कैंडल थी वो ग्रीन फॉर्म होती है, एंड फरवरी मंथ की कैंडल जो है वो आपके पिछले 4 महीनों के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रही है इस समय। करंटली जो स्टॉक है वो पिछले 4 महीने के हाईस पे ट्रेड कर रहा है, 4 महीने के हाईस को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट आपको हो सकता है देखने को मिले 2200 के समथिंग फरवरी मंथ की, और इस बीच में स्टॉक में होगा 4 महीने का ब्रेकआउट, इनफैक्ट 5 महीने आप कह सकते हैं, ठीक है। यहां मैं आपको बाय रिकमेंडेशन दूंगा, जो फरवरी मंथ में लो लगाया उसके स्टॉप लॉस से, फरवरी मंथ का लो है दोस्तों 2044, 2200 रुपए पे स्टॉक है, 160 रुपए होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 7.5-8% के समथिंग, तो 7.5-8% का स्टॉप लॉस है। कैश मार्केट में बाय करना है, फ्यूचर ऑप्शन कुछ नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूं कैश का है, इसके पीछे रीजन है वो छोड़ते हैं, लेकिन खरीदना कैसे वो बता दिया मैंने। अब हम हर महीने के लो को स्टॉप लॉस बना के अपनी पोजिशन को ट्रेल करते जाएंगे। टारगेट पहला जो मिनिमम मुझे दिखता है वो लगभग 2400-2450 का दिखता है, उसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं मुझे 2000 रुपए तक जाता हुआ दिखता है, यानी कि यहाँ 2000 कह रहा हूं मैं आपसे, मैं माफी चाहूंगा, ये स्टॉक का हाई जो है 2600-2600 रुपए का है, 2600 से 2700 रुपए का हाई है, वहां तक भी जाता हुआ दिखता है, तो लगभग 400 से 500 रुपए के टारगेट बन सकते हैं, और आपके साथ स्टॉप लॉस मैंने 160 पॉइंट्स का ट्रेल करा। हर महीने आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मार्च महीने का लो अगर 2200 रहता है तो आपका ये 2044 से बढ़कर 2200 हो जाएगा, ऐसे ही फिर अगले महीने आप देखेंगे उसके लो का स्टॉप लॉस, जिस बार आपका स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाए बुक योर प्रॉफिट और एग्जिट, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो पहला स्टॉक एमफेसिस है, सेकंड मेरा है, ये थोड़ा सा रिस्की ज्यादा लग रहा है मुझे, इस पे एक्चुअली मैंने बात भी करी थी आप साथ 2 दिन पहले, बट मैं अभी तक खुद भी इसमें पोजीशन लेना चाहता था पर्सनली आपको बताऊं, बट ले नहीं पाया क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर हो रहा है,
तो रिकमेंड मैंने ये कहा था कि आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस ले सकते हैं। थर्सडे शेयर करा था, फ्राइडे 7% भागा है गिरते बाजार में। स्टॉक का नाम है डिशमैन कार्बोजेस, डीकेएल का कोड है इसका। मैंने शायद कार्बोजेस गलत भी बोला, आई थिंक डीकेएल कोड है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस स्टॉक की बात करें तो 113 रुपए पे शेयर करा था, 88 रुपीज का स्टॉप लॉस बन रहा है, क्योंकि वो है इस स्टॉक, सॉरी 80 रुपीज की मंथली क्लोजिंग है स्टॉक की, लो जो है मुझे लगता है जो फरवरी मंथ का लो वो 80 रुपए है, तो 113 से 80 बहुत दूर लग रहा है, तो इसलिए स्टॉप लॉस नहीं बन रहा था। बट डेफिनेटली अभी यहाँ पे स्टॉक आज 120 रुपए का हो गया है। रिसेंटली MIT ने 18 करोड़ की बाइंग करी है, 1% की बाइंग होती है वो, तो ये मेरा सेकंड स्टॉक है। अगर गिरावट में मिले तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वेट कर लें गिरावट का, या फिर अपना स्टॉप लॉस 100 रुपए से आसपास स्टॉप लॉस रखोगे तो वो ट्रिगर कर देगा। बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा 110 के आसपास मिल जाए, 95 का स्टॉप लॉस रखें एंड पोजीशन बन जाए। तो ये मेरे दो स्टॉक्स, होप आपको वीडियो पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।